अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो आपके पास टॉपिक हुआ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, फर्स्ट आपके पास है डिटरमिनेंट ऑफ ए 2x2 मैट्रिक्स। आपके पास जो आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यहाँ पे फाइंड करनी है, जो आपके पास ऑर्डर होगा वो 2x2 है। आपकी क्लास में ऑर्डर सिर्फ क्या है, 2x2 है। तो जितने भी आपके पास मैट्रिक्स होंगे उनका ऑर्डर क्या होगा, 2x2। उनके आपने क्या फाइंड करने, इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करना, ठीक है। उनके क्या फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो आपके पास लेट आप सबसे पहले क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट जो है, ये जो आपके पास इनवर्स है इसके लिए ज़रूरी है डिटर्मिनेंट फाइंड करना, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट देखें, लेट ए आपके पास मैट्रिक्स है, बी ए 2x2 स्क्वेयर मैट्रिक्स। स्क्वेयर मैट्रिक्स से आपको पता है कि रोज एंड कॉलम्स की तादाद इक्वल हो, तो मैट्रिक्स कौन सा होगा, स्क्वेयर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिनोटेड बाई डी ई टी, ये शॉर्ट फॉर्म है, डी ई टी में डिटर्मिनेंट लिखो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और या आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ये दो हैं, इससे दो तरीक़ों से आप डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। ये डिफाइन है, इसको आप फाइंड कैसे करेंगे कि आपके पास ये इस तरह आप लिखेंगे, ठीक है। क्या डिटर्मिनेंट इक्वल टू, आपके पास ये इस तरह भी लिख सकते हैं, फिर आपने डिटर्मिनेंट ये लिख के मैट्रिक्स लिख देना जिसको आपने फाइंड करना है। ये हमने ये मैट्रिक्स लिख दिया। नेक्स्ट क्या करना है, ब्रैकेट्स की जगह आपने ऐसे स्ट्रेट लाइन लगा देंगे साइज को, ठीक है। तो नेक्स्ट काम जो आपके पास है, आपने क्या करना है, ये डायगोनल जो है आपके पास ए डी वैल्यूज, इनको मल्टीप्लाई करके आपने पहले लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके पास सेकेंडरी डायगोनल है, इसमें आपने क्या करना है, सेकेंडरी डायगोनल की वैल्यूज इस जगह पर लिख देना, दरमियान में क्या लगाना है, आपने माइनस का साइन लगाना है। मेन डायगोनल की वैल्यूज को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। मेन डायगोनल आपके पास ये है, ए और डी क्या होगा, हमेशा मैट्रिक्स की मेन डायगोनल, ये आपके पास क्या होगा, सेकेंडरी डायगोनल। तो मेन डायगोनल को पहले मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, फिर माइनस का साइन, और फिर सेकेंडरी डायगोनल की वैल्यूज मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो ये आपके पास आंसर आएगा, वो कि उसका ताल्लुक किससे होगा, रियल नंबर से होगा। मीन्स रियल नंबर आपको पता है, रेशनल और इरेशनल नंबर्स की यूनियन को क्या कहते हैं, रियल नंबर। तो लेट आपके पास बी, आपके पास ये देखें एक मैट्रिक्स पड़ा, अब इसका आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड। तो वही सिंपल तरीका है, देखें बी को इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, एक एक तरीके से आप लिखें, इस तरह लिखें आप बी, बी के डिटर्मिनेंट इक्वल टू आपके पास क्या है, मैट्रिक्स की जगह आप क्या लगा देंगे, मैट्रिक्स को आप किस तरह लिख देंगे, स्ट्रेट लाइन में वैल्यूज को लिख देंगे। लिखने के बाद आपने क्या करना है, पहले इनको मल्टीप्लाई करना है, 1 और 3 को ये लिख मल्टीप्लाई कर दिए। नेक्स्ट क्या करना है, माइनस का साइन लगाना था, जैसे ये ऊपर हमने फार्मूले में देख लिया था। नेक्स्ट ये आपने माइनस का साइन लगा दिया। नेक्स्ट क्या, -2 × 1, ये -2 × 1 कर दिया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, -2 और 1 क्या हो जाएगा, -2, और बाहर माइनस है तो मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, प्लस के 2 आ गया, और 3 और 2 5 आ गया, ये आपके पास क्या आ गया, डिटर्मिनेंट। तो ऐसे आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है किसी मैट्रिक्स का। ये देखिए, अब आपके पास एक और एग्जांपल है, एम अगर आपके पास डिटर्मिनेंट, तो ये इसका आंसर क्या होगा। अब डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है, इसी तरह हम क्या लगेंगे, ब्रैकेट्स को ख़त्म करके लाइंस लगा देंगे, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई पहले करेंगे, फिर माइनस, फिर 6 को 1 से, ये आ गया 0 आंसर। तो ये आपको नेक्स्ट पता चलेगा कि अगर किसी डिटर्मिनेंट का 0 आंसर आ जाए, और मीन्स 0 की इक्वल आ जाए, और जो 0 की इक्वल ना आए, तो उनको मैट्रिक्स को क्या कहते हैं। ये नेक्स्ट आपके पास लिखा हुआ है, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिंगुलर इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। अब ये देखें, एम मैट्रिक्स आपके पास, इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया था, 0, तो ये क्या है आपके पास, सिंगुलर मैट्रिक्स है। एम एक क्या है ऊपर, ये एम आपके पास क्या था, एक सिंगुलर मैट्रिक्स था। नेक्स्ट आपके पास ये देखें, अगर क्या आ गया, डिटर्मिनेंट किसी मैट्रिक्स का 0 आ जाए, तो कौन सा होता है आपके पास, सिंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ये देखें, जैसे ये आपके पास ए पड़ा है, ये कि एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें 0 हो जाएगा, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 हो जाएगा, 0 - 0 आंसर क्या आएगा, 0 है, क्या आएगा आपके पास, ये 0 है, नीचे लिखो अभी। तो ये आपके पास आ गया 0 आंसर, ये आपके पास ए मैट्रिक्स क्या हुआ, एक सिंगुलर मैट्रिक्स। और नॉन सिंगुलर आपके पास क्या होगा, नॉन सिंगुलर इसी तरह होगा कि आपके पास डिटर्मिनेंट 0 की इक्वल नहीं होगा, डिटर्मिनेंट इक्वल 0 नहीं होगा। अगर इक्वल आ जाए तो सिंगुलर, नहीं आएगा तो नॉन सिंगुलर। अब नेक्स्ट जो काम करना है हमने, ये एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स है, ये हम सारा कर रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए।
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी मैट्रिक्स का फाइंड करना होगा तो हमने क्या करेंगे, पहले उसका डिटरमिनेंट फाइंड करना होगा। नेक्स्ट काम देखें क्या करना होगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना। एडजॉइंट ऑफ आप मैट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ये आपके पास एक मैट्रिक्स होगा, इज ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज एंड चेंजिंग द साइन ऑफ द अदर एंट्रीज। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय ए डी जे, क्या लिख देंगे ए डी जे, ये पहले तीन लेटर्स जो हैं ये आपने ए डी जी लिख के, ए डी जे लिख के ए लिख देना साथ, तो ये आपके पास क्या होगा, ये किसकी सिंबल यूज बता रहा है आपको, एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, ये कह रहा है कि आपके पास ये डायगोनल ऊपर देखें ए मैट्रिक्स पर, ये जो डायगोनल में ए डी था, ये क्या करना है, मेन डायगोनल की वैल्यूज को चेंज कर देना, पोजीशन को चेंज, जहाँ पे ए लिखा हो वहाँ पे डी लिख देना, जहाँ डी लिखा हो तो वहाँ पे ए, और जो आपके पास सेकेंडरी डायगोनल है मीन्स ये दूसरा डायगोनल जो पड़ा है, इसमें आपने क्या करना है, सिर्फ साइन चेंज करना है, मीन्स प्लस है तो माइनस कर देना, माइनस है तो प्लस कर देना। जैसे आपके पास ये ए मैट्रिक्स पड़ा है, एग्जाम्पल ए मैट्रिक्स है 1 2 3 0, अब मेन डायगोनल का क्या करना है, इनकी एंट्रीज की जगह चेंज करनी है, वन की जगह क्या लिख देंगे, जीरो, और जीरो की जगह वन, ये हमने लिख दिया। और जो दूसरा डायगोनल है इसमें क्या करना है, आपने यहाँ पे साइन चेंज करना है, प्लस 3 है तो क्या करना है, माइनस 3, 2 प्लस का तो उसका ये देखो माइनस, माइनस माइनस कर दिया सर, दोनों प्लस करेंगे। अब नेक्स्ट बी एक एग्जाम्पल आपके पास पड़ी, इसमें क्या करेंगे, इसमें भी इसी तरह करेंगे, देखिए अब आपके पास ये दो माइनस 2, माइनस 4 और 2 को क्या कर देंगे, इनकी जगह रिप्लेस कर देंगे, एक दूसरे का जगह जो है चेंज कर देंगे, ये देखें 2 की जगह माइनस 4 हो गया और 2 माइनस 4 की जगह 2, और जो दरमियान में दो सेकेंडरी डायगोनल है जो आपके पास दूसरा डायगोनल है मेल डायगोनल के अलावा, उसका क्या करना होता है, साइन चेंज। अब माइनस का 1 था पहले, तो एडजॉइंट जब लिया, एडजॉइंट ऑफ बी किसकी करा जाएगा कि 1 में की जगह माइनस 1 की जगह 1 और 3 की जगह माइनस 3 आ जाएगा, तो सेकेंडरी डायगोनल के हमने क्या करना है, साइन चेंज करनी है, डायगोनल के हमने पोजीशन चेंज करनी है दो वैल्यूज की, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ बी, ये बी मैट्रिक्स और ये इसका एडजॉइंट ऑफ बी। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, जिनका आपके पास डिटर्मिनेंट क्या है, जीरो के इक्वल ना आए, तो कैसे फाइंड करें, लेट आपके पास ए एंड बी टू नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, क्या है दोनों के सेम ऑर्डर है, देन ए एंड बी आर सेट टू बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, इफ अगर आपके पास ए बी से मल्टीप्लाई करे या बी ए से मल्टीप्लाई करे, तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, क्या आना चाहिए, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट ये बॉक्स में देखें लिखा है कि इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा, ये आपके पास टू क्लास टू का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, कैसा था आपके पास कि इसके डायगोनल में क्या होता है, 1 1 होता है और बाकी सारी वैल्यूज क्या होती है, 0 होती है, तो ये आपके पास क्या है, टू क्लास टू का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वो कह रहा है कि इसका जो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो ये खुद होगा, ठीक है, मीन्स यही इसका मल्टीप्लिकेटिव आपके पास इनवर्स भी है, लेकिन ए और बी आपके पास दो मैट्रिक्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तब होंगे, मीन्स अगर ए को बी से मल्टीप्लाई करना है या बी को ए से मल्टीप्लाई करना है, आंसर क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो फिर ए और बी आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के इनवर्स होंगे। इनवर्स ऑफ ए इज डिनोटेड बाई इस तरह, ए के ऊपर जो है माइनस 1 लिख देंगे, ये क्या बन जाएगा, ए इनवर्स, ये क्या बन जाएगा, ए इनवर्स, छोटा सा ऊपर माइनस 1 लिखेंगे, तो ए मैट्रिक्स के इनवर्स को कैसे डिनोट करेंगे, ए इनवर्स से, तो ए मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स या ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाई ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, मीन्स बी आपके पास क्या आ गया, ए इनवर्स है, बी क्या है अब, ए इनवर्स, क्योंकि हमने कह दिया कि बी क्या है, इनवर्स है ए का, तो मतलब क्या है, ए इनवर्स है, ए इनवर्स, जैसे टू की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा आपके पास, 1/2, 1/2, 1/2 आपके पास क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2, वो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 से कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा, 1, और 1 क्या आपके पास होती है, आइडेंटिटी होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और आई आप किसको डिनोट करते हैं, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, आई होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, आई, किसी मैट्रिक्स के साथ भी मल्टीप्लाई होगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो आंसर क्या आएगा, वो मैट्रिक्स खुद आ जाएगा, मीन्स ए आई से मल्टीप्लाई होता है, एक ऑर्डर 2/2 है, आगे आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसका ऑर्डर भी 2/2 है, तो ए आई या आई ए का आंसर क्या आएगा आपके पास, ए ही आएगा, आई बी या बी आई का आंसर भी बी आएगा, तो आपके पास ये क्या होता है, जिसमें डायगोनल आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, तो इनवर्स ए इनवर्स
ए से इनवर्स मल्टीप्लाई करें या इनवर्स ए मल्टीप्लाई ए से, तो आंसर क्या आएगा, हमेशा आइडेंटिटी आएगा। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज पॉसिबल ओनली इफ मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। क्या आपके पास जो है इनवर्स किसी मैट्रिक्स का तभी पॉसिबल है फाइंड कर सकते हैं कि अगर आपके पास मैट्रिक्स का हो नॉन सिंगुलर हो।